नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िला के एक निवासी ने जो है, ये एक ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होने से जो है हमारे सैनिकों की जान बचाई है। तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं ये जो देशभक्ति भरी जो खबर है, ये काफ़ी उत्साहित करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिमाचल के ट्रक चालक की बदौलत टला आतंकी हमला, 15 अगस्त से पहले की साजिश नाकाम। हिमाचल प्रदेश के ऊना के टाहलीवाल के ट्रक चालक 38 वर्षीय अवतार चंद पुत्र प्रेमचंद ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 अगस्त को आतंकियों के हमले में सैनिकों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रक ड्राइवर अवतार चंद 14 अगस्त को साथी रवि कुमार 24 वर्षीय के साथ दिल्ली से माल लेकर श्रीनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पुलवामा के नज़दीक मीर बाजार में साथ चल रही एक अन्य गाड़ी ओवरहीटिंग के चलते बंद हो गई। इसके बाद दोनों चालकों ने गाड़ियों को मौके पर खड़ा कर दिया ताकि ट्रक ठंडा हो सके। इंतजार करने के दौरान अवतार की नज़र समीप की इमारत पर पड़ी, जहां तीसरी मंजिल पर बैठा आतंकी बंदूक लेकर सड़क को निशाने पर लेकर घात लगाकर बैठा हुआ था। साथ ही निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। निशाने पर भारतीय सैनिकों की एक गाड़ी थी। वहीं बगैर खौफ व संयम के अवतार चंद ने फौरन भागकर गाड़ी में सवार सैनिकों को घटना की जानकारी दी। जब अवतार चंद सैनिकों को मामले की जानकारी दे रहा था तो आतंकी ने इमारत से ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग के दौरान अवतार चंद और रवि कुमार के ट्रकों को नुकसान पहुंचा है। रवि कुमार और अवतार चंद ने गोलाबारी के दौरान ट्रकों के नीचे छुपकर आतंकी हमले से जान बचाई। वापस घर लौटे अवतार ने बताया कि कुछ ही देर में वहां से भारतीय सैनिकों की एक बस भी गुजरने वाली थी, जिस पर आतंकी हैंड ग्रेनेड से निशाना लगा रहे थे। लेकिन ट्रक चालकों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभालते हुए घटनास्थल पर मौजूद तीन में से एक आतंकी को मार गिराया, जिसकी पहचान पाकिस्तान निवासी हुसैन मोहम्मद के रूप में की गई है, जबकि दो अन्य आतंकी सैन्य अधिकारियों ने जिंदा दर दबोचे हैं। वहीं घटना के बाद सैन्य अधिकारी दोनों ट्रकों चालकों को अपने साथ कैंप ले गए, जहां दोनों ट्रक चालकों के साथ काफ़ी देर तक पूछताछ की गई। वहीं सैन्य अधिकारियों ने अवतार और रवि की फ़ोन नंबर भी नोट किए। इसके अलावा बात करें तो अवतार चंद का दावा है कि सैन्य अधिकारियों ने मोबाइल ट्रैकर से दोनों पर भी नज़र रखी। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने दोनों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और सैन्य अधिकारियों के दिशा निर्देश के तहत ही दोनों ट्रक चालक माल को अनलोड करके वापस अपने घर पहुंचे। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में जो है ट्रक चालक 38 वर्षीय जिनका नाम अवतार चंद बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में जो है बड़ा आतंकी हमले होने से जो है सैनिकों की जान बचाई है। तो इससे जो है इन्होंने देशभक्ति की मिसाल पेश की है। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।